हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए घटना चक्र टू के प्रैक्टिस सेट साल कर रहे हैं, तो आज हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर कैसा होगा भाई? चौथे नंबर का होगा, जिसमें हम तीन प्रैक्टिस सेट आपको करा चुके हैं। तो आज हमारा घटना चक्र का तीसरा प्रैक्टिस सेट, चौथा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कुल मिला के इसमें कितने 10 प्रैक्टिस सेट हैं और मैं आपको 10 कराऊंगा। तो आज हमारा ये चौथे नंबर का होगा, तीन हम करा चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है कहने कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कहने सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेघालय। तो मेघालय जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए भूटान के साथ भारत के चार राज्य सीमा साझा करते हैं। देखिए सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है और असम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, तो बी नंबर राइट यहाँ हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, त्रिपुरा। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो आपको ये प्रश्न कई बार पूछे गए एग्जाम में, तो आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा, त्रिपुरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताइए भाई, विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बिहार से। तो विदेशिया जो है बिहार राज्य से संबंधित लोकप्रिय नृत्य, सही ऑप्शन ए नंबर यहाँ हो जाएगा। देखिए इस लोक नृत्य शैली का पिता जो है किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को माना जाता है। और इस नृत्य में महिला पात्र की भूमिका भी पुरुष कलाकार करते हैं। आज देखते हैं अगला है, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्डन पाड़ा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है ये जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था, 11 जुलाई 1990 में। ठीक है, अगला देखते हैं, करें ADBI एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1966 में। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। स्पेस को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट हो जाएगा, जैसलमेर को जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। और देखिए जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इनके और कुछ पुस्तकें हैं, जैसे इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम्स, इग्नाइटेड माइंड्स इनकी पुस्तक है, इन डामिटेबल्स स्पिरिट माई जर्नी, ट्रांसफार्मिक्स ड्रीम्स इन टू एक्शंस, इनकी ये सब क्या हैं, पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो अनुच्छेद 103 के तहत कितना होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 1/10। अगला है, कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत किसको कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण वर्ष कब था, 1991 से माना जाता है, उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के
वित्त मंत्री थे। तो आपसे पूछा जाएगा उदारीकरण 1991 के समय वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, देखिए इनको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, बताइए भी सही ऑप्शन यहां हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CRR का असंक्षिप्त रूप क्या है, सही ऑप्शन यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। अगला है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सही ऑप्शन यहां हो जाएगा, तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में हुआ था, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा पंतनगर उत्तराखंड में। अगला है, करें कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, राइट आंसर यहां हो जाएगा, कौन होता है भी अध्यक्ष, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत का प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यह नीति आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो सुमन बेरी है। ठीक है, अगला है, वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं, सही ऑप्शन यहां हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी नंबर बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहां पे जब कहते हैं बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर बढ़ती है और नीचे बढ़ती है, तो उसे क्या दर्शाता है, देखिए तो बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक गिरावट वर्षा की संभावना का संकेत करता है। ठीक है, अगर ऊंचाई में गिरावट हो रही है तो वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, और बैरोमीटर की ऊंचाई के क्रमिक अगर चढ़ाव हो रहा है तो मौसम साफ होने का संकेत देता है। चलिए अगला देखते हैं, घुटनों का जोड़ होता है, राइट आंसर यहां हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर कोर संधि होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अग्नाशय, तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए पूछा जाता है कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होती है। ठीक है, तो यहां पे डी नंबर सही हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो यकृत है। ठीक है, हाँ अगर अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी पूछे तो वो थायराइड है। ठीक है, अगला है, शोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है, बताइए शोल्डर एलॉय किन दो धातुओं का मिश्रण है, सही ऑप्शन यहां हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर टिन और सीसा का। देखिए इसका गलनांक लगभग 90 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां राइट हो जाएगा। अगला है, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल चींटी में। अगला है, कहने की भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में जो है रिट क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में आप रिट दायर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो नहीं है सही ऑप्शन हो जाएगा, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 37, तो इंपॉर्टेंस है सही ऑप्शन यहां हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता से, ऑप्शन नंबर डी यहां राइट हो जाएगा। और इसका जो है भाग चार में
राज्य के नीति निदेशक तत्व में उल्लेख किया गया है, ये 36 से 51 तक है, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक, और यहाँ आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अगला है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संसदीय कानून द्वारा। तो 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों, उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, संसदीय कानून द्वारा। देखिए, गृह मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये केंद्रीय मंत्री होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो राइट आंसर यहां हो जाएगा, सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिस बी रामास्वामी, सही ऑप्शन यहां पर ए नंबर हो जाएगा, इनके प्रति जो है संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। आइए देखते हैं अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, सही ऑप्शन यहां हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को, तो ऑप्शन नंबर ए यहां राइट हो जाएगा। देखिए 8 अगस्त 1942 को यह जो है प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, जब 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, तो यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ जो देखिए स्वीकार जो 8 अगस्त 1942 को किया गया था, लेकिन इसको जब आरंभ कब किया गया था, 9 अगस्त 1942 को। अगला देखते हैं, करें 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी, राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। तो वर्ष 1903 में जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, यह जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है। आज देखते हैं अगला है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो आपको यहां पर क्रम लगाना है कि कौन सी घटनाएं सबसे पहले घटी है। देखिए दांडी मार्च प्रारंभ कब हुआ था भाई, 12 मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 में, ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, फिर कह रहे कि साइमन कमीशन आगमन कब हुआ था, तो ये 3 फरवरी को मुंबई पहुंचा था 1928 में, और लास्ट है गांधी और इरविन के बीच समझौता जो है 5 मार्च 1931 में की गई थी। तो आप पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा, साइमन कमीशन आगमन, ठीक है, या 3 फरवरी 1928, ठीक है, तो सबसे पहले वाला आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन यहां पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा जाएगा, यहाँ पे आपका बी नंबर हो जाए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, आपको सूची एक और सूची दो से मिलान करना है, यहाँ पे देखिए इधर सूची एक और सूची इधर करें कि हावड़ा षड्यंत्र केस ये किससे संबंधित हैं, तो ये किससे जाएंगे, तो सही हो जाएगा जतींद्रनाथ मुखर्जी, तो ये तीसरे से जाएगा, एक तीसरे से। लाहौर षड्यंत्र केस किसके कब हुआ था, इसके कौन थे, ये राजगुरु थे, कौन भाई, राजगुरु, तो चौथे से जाएगा, बी का चौथे से। फिर दिल्ली षड्यंत्र केस, ये सी नंबर किससे जाएगा, ये मास्टर अमी चंद, तो मास्टर अमी चंद पहले से जाएगा। और अलीपुर षड्यंत्र केस ये किससे जाएगा, डी का दूसरे से जाएगा, अरविंद घोष, तो इस प्रकार आपको यहाँ मैच कराना है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कूट है आपका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, तो सी नंबर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, अभी
अगला कहना कि महान अशोक किस वंश का शासक था, तो महान अशोक किस वंश के शासक थे, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये कौन थे, मौर्य वंश का ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए 273 से 232 ईसा पूर्व में इनका शासन था, तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा तो किन की, लॉर्ड मियो की, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा, लॉर्ड मियो की जो है हत्या जो है भारत में कर दी गई थी एक अपराधी द्वारा। ठीक है, कह रहे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर बोध गया में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुई हो गई तो ये इन्हें जो है बुद्ध कहलाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सूची मिलाना है आपको, सूची एक और देखिए, इधर सम्राट है इधर मकबरा है, तो आपको यहाँ पर मैच करना है कि चलिए सुमेलित करना है। तो देखिए कहने की बाबर, बाबर का मकबरा कहाँ है, ये काबुल में है, तो ये किससे जाएगा भाई, एक का तीसरे से जाएगा, और देखिए अकबर, अकबर का कहाँ है, सिकंदरा में है, तो यहाँ पे आपका जाएगा चौथे में, बी का चौथे में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, ये जहांगीर का मकबरा कहाँ है भी, तो ऑप्शन नंबर का ना सी का पहले से जाएगा लाहौर में, और शाहजहाँ का कहाँ है, आगरा में, तो इस प्रकार आपका सही सुमेलित हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा भी, सी नंबर राइट हो जाएगा, ए का तीसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से और डी का दूसरे से। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मपाल। अगला है, करें कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है, तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर पश्चिमी विक्षोभ का, पश्चिमी विक्षोभ से, इंपॉर्टेंस प्रश्न है। अगला है, करें कि निम्न में कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यह उद्यान जो है कहाँ, ये मणिपुर राज्य में विष्णुपुर जिले में स्थित है, जो लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो लोकटक झील भी आपसे पूछा जाता है, तो ये कहाँ है, मणिपुर में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिब्बत का पठार। अगला है, कह किस देश को कोयले का सर्वोच्च भंडार है, राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यूएसए का, यूएसए में जो है देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। देखिए पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर चीन तथा पांचवें पर भारत है। आइए देखते हैं, मिलान करना है भी यहाँ पे, कह रहे हैं कि आपको यहाँ देश दिया गया है और मुद्रा दिया है, मिलान सही करना है, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए देखिए तुर्की, तुर्की का आप क्या हो जाएगी मुद्रा, ये लीरा हो जाएगी, दूसरे में जाएगा एक, वेनेजुएला, वेनेजुएला का बोलीवर जाएगा, तीसरे से जाएगा, और संयुक्त राज अमीरात से कहाँ किससे जाएगा, यहाँ दिरहम जाएगा, तो आप चौथे से जाएगा, सीखा चौथे से, और आर्मेनिया की मुद्रा है आर्मेनियम से ड्रैम, तो ठीक है पहले से जाएगा, तो इस प्रकार आपका सही मैच हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही कोड कहाँ से हो जाएगा देखते हैं, तो ये आपका यहाँ देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए आप चलते हैं करंट के प्रश्न यहाँ से, करंट के प्रश्न करें कि अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा सदन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा, चलिए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये कहाँ होगा इसका मुख्यालय, बी नंबर हो जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, इसमें जो है एक अध्यक्ष होगा और 12 जो है सदस्य होंगे, और इनकी जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। ठीक है, तो यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मार्च 2023 में
वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ किया गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में। एक सॉरी, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वाराणसी में। कहाँ में? तो ये वाराणसी होगा, लखनऊ नहीं होगा, वाराणसी में किया गया। तो मार्च 2023 वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने कि नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जो नया संसद बना है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1272। ठीक है, 1272 सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें जो है लोकसभा के सदस्यों की 888 सीट है और राज्यसभा के 384। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कहें कि अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा, तो अभी तक 30 थे तो एक और जुड़ गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि मई 2023 में भारत ने किस देश को आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, देखिए म्यांमार में जब मोचन चक्रवात आया था तो उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया था, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां बनाया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा, कहां बने, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, कहने कि जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो कहाँ गई शुरू की गई, ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, कहने कि जून 2023 में सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को। अगला है, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पाकिस्तान को। अगला प्रश्न है, करेक्ट, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया? सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, तो आशा करता हूं कि आपको पसंद आया है, तो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम 5वें सेट के साथ उपस्थित होंगे अगले वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।